जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस पेपर वॉज मॉडरेट पेपर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था जी। ज्योग्राफी की कराई है, पॉलिटी की कराई है, साइंस भी की कराई है। सिर्फ अगर करंट अफेयर भी बहुत सारे, अगर आप मेरा चैनल चेक करें सब क्वेश्चन वहीं से थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी हिस्ट्री में अगेन, और मैं फिर से बता रहा हूँ सोर्स न्यू एनसीईआरटी है। आप लोग जितनी मर्जी स्पेक्ट्रम रगड़ लीजिए, आजकल एग्जामिनर न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहा है हिस्ट्री में, मतलब ज्योग्राफी पॉलिटी का भी सोर्स एनसीईआरटी है। आइए जरा आप शुरू करते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करना। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। द टाउन ऑफ चिश्त विच वॉज फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला ड्राइव इट्स नेम इज सेंट्रल अफगानिस्तान, पहला ऑप्शन। ये अभी तक क्वेश्चन भाई वी आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर आंसर। इवन हम रिलीजियस हेड से भी पूछ के आया भाई कि कौन था संगत का शुरू किया था, कुछ कह रहे हैं गुरु अंगद देव जी और कुछ कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, तो इसलिए मार्क करिएगा बी और सी, बट नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हजार्ड, वो कौन सी चीज किसने बनाया था। विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हजार्ड स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तो यहाँ तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है या क्या है, पर अपने को अभी तक एग्जैक्ट इसका भी आंसर नहीं मिला। अगर आंसर मारे तो सी ऑप्शन मार सकते हैं, माल्टी एट पिथौरगढ़, क्योंकि ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी कवर्ड प्रेडोमिनेटली फोकस्ड हियर। इट इज अ कच्छ रीजन इज द आंसर, वी हैव कंबाइंड इट। डी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ब्लिजर्ड्स कहां पर मोस्टली आएंगे, किस स्टेट में। ये तीनों के तीनों ऑप्शन ईस्टर्न स्टेट्स है, पहली तीन तो नॉर्थ ईस्टर्न, पर इनमें भी सबसे ऊपर अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश है। ब्लिजर्ड होता है कोल्ड विंड, कनाडा रशिया में ब्लिजर्ड चलते हैं, इवन इंडिया में भी जहां पर सर्दी बहुत पड़ती हो वहां पर पड़ेगा, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहां पर प्रोमिनेंट नहीं है, असम आपको पता है भाई, चाय के भी बाग हैं, टी के भी बाग हैं, और उसके भी हैं अपने रबर के भी, तो दोस्त ये तो हो गई। नागालैंड में भी आप अगर देखो तो काफी एग्रीकल्चर है, केरला में भी, राजस्थान नहीं हो सकता प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। अटल टनल न्यूज में था भाई, आप तो सब घूम भी आए हैं, मनाली टू ले आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एस्चुरीज, बीचेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रूव्स, ये कौन से जगह पर मिलते हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ज्योग्राफी अगर कंबाइन करो तो आंसर बाहर है। कोरल रीफ्स आपको पता सुंदरबंस में हो नहीं सकते, ना ही नीलगिरी में हो सकते हैं, और ना ही नंदा देवी में हो सकते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, उत्थे कितने आने कोरल रीफ्स भाई, मैं समझ नहीं पा रहा। आंसर सीधा सीधा बी ऑप्शन है, कोरल रीफ से ही आंसर मिल गया आपको, बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जमाई लल्लू सवाल, राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से डाला भाई, छोटे बच्चे को भी पूछ लो, 86th अमेंडमेंट है, इतने 85th मार दिया, 86th अमेंडमेंट। अगला क्रिप्स मिशन के बारे अगर देखें, सी ऑप्शन मेरे को लगता है नॉट करेक्ट, एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम, सी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, ये भाई बार बार यूपीएससी तीन बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर 368 में दिया, और वो किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, ये भी ठीक है। तीसरा, द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऐसा कुछ नहीं है जी कि वो डिसाइड करेंगे, आंसर वन एंड टू मेरे को लग रहा होने का चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो किसके तहत लगता है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखो तो आंसर आप इजीली मार सकते थे, इंटरनल डिस्टरबेंस, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस किया था 44th अमेंडमेंट के साथ, आर्म रिबेलियन वर्ड ऐड कर दिया गया था। ये दो बारी क्वेश्चन आ चुका है, ये अभी तक नहीं पता अभी। परमिटिंग द सिटी ऑफ खंबत अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ व्हाट, जहां तक मेरे को लग रहा है यार यहां तो अकबर ने क्या, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर, बट श्योरली आई विल गेट यू द आंसर्स विद इन अ टाइम। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आपके एनसीईआरटी से, कौन सा ट्रेवलर था मिडिवियल टाइम पे जो इंडिया आया था, किस सिटी को डिस्क्राइब किया था, विजयनगर को, याद रखिएगा विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक जहां पर एक्सटेंट ऑफ
अर्थक्वेक है वो किससे प्रभावित नहीं होगा, सिंपल है, क्लाइमेट ऑफ द एरिया। क्लाइमेट और अर्थक्वेक का क्या रिश्ता? अगला एवलांचे क्या होता है? एवलांच भाई ऊपर से जब सीधी बर्फ गिरती है उसको एवलांच कहते हैं। एटमॉस्फेरिक हो नहीं सकता, एक्वेटिक हो नहीं सकता, बायोलॉजिकल हो नहीं सकता, टेरेस्ट्रियल है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। कंटेन्ड मेंटेन्ड इन अ बेसलाइन लेवल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है? जो वहीं पर मिलती हो, ये वर्ड से ही आंसर मारा, इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज बेसिकली एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भाभर रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन व्हाट? इट इज भाभर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्टोरल रोल्स वाला, मेरे को यार तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही हैं और मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। टोटलिटेरियनिज्म वर्ड ही अगर मतलब बताओ तो भी ईजी आंसर है। टोटलिटेरियनिज्म नॉट अगर ना होता तो बिल्कुल ठीक था ये। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, इट इज नॉट अगेन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरिज्म, जबकि मीनिंग इसका ये अथॉरिटेरिज्म और ऑटोक्रेसी, तो आंसर ए होना चाहिए। इट मतलब नॉट करेक्ट, वहां पर सिविल सोसाइटी का कोई रोल नहीं, उसी को तो टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं, बाकी तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ग्लोइंग टर्म्स इन द प्राज्ञा प्रशस्ति, दैट इज समुद्रगुप्त ने नाम दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी 50 बार रिपीट कर करके बोला सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आना है, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इनको पेरियार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बताया हर जगह पर। द लिमेंशन लोकेशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ तक्षला इज मेंशन इन अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी सिंपल है जी। नेक्स्ट अगर देखे, नॉट जैन आचार्य खेमा, अब यार इतने तीर्थांकर ये याद करना मैं नहीं कह सकता, इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मैंने अभी टेलीग्राम में सोर्स भी सिंपल सिंपल लिखा। मेजर अपेयरेंस कहां पर हुई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली अपेयरेंस थी 1916 में। नेक्स्ट अगर देखें, पतंजलिस महाभाष्य, इट इज अ मेंशन ऑफ कौटिल्या एंड इट इज अ बुक ऑफ ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटली, बिल्कुल बोथ वन एंड टू। अगला जी डिमांड कर्व, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो से तीन क्वेश्चन है, चेंज इन इट्स प्राइस आंसर होना चाहिए था इसमें। अगर देखें चूजन एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? वैल्यू ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। यहां पर स्टेट की डेफिनेशन बेस्ट किस में डिफाइन की गई है? आखिरी में, क्योंकि इसमें सब कुछ ही डाल दिया, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 12 हमने पढ़ा भी हो, आर्टिकल 36 डीपीएसपी और आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स में। सबसे ज्यादा सीट्स नहीं होता क्वेश्चन, तो भाई कम से कम आबादी सोच लेते, बिहार की सबसे ज्यादा आबादी तो बिहार की सबसे ज्यादा सीट्स होंगी, आंसर बी था। ये था क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल कहा था याद मत करिए, पर इस बार इन्होंने पूछा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन 243D, मैंने खुद ढूंढ के ही बोला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर, तो पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा, अपने का नहीं पता अभी तक, चेक करेंगे फिर बताएंगे। क्लियर है जी। वैष्णवाइट ट्रेडिशन थंजावुर में है, ये भी याद रखिएगा, इज अ टेम्पल ऑफ थंजावुर, तो आंसर याद रखिएगा थंजावुर है। अगला मुनिस अल आरा इज द आंसर, जहान हारा ने लिखी है। उसके बाद अगर देखें नेशनल मूवमेंट का मॉडरेट्स, ये भी हिस्ट्री का, अगर आपने मेरी क्लास लगाई आराम से, मॉडरेट्स कभी धक्के मार के थोड़ा निकाल लेंगे एलियन रूल को, तो ये गलत है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो ऐसे निकाले बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़े से कठिन, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है भाई, चेक करना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू कंफर्म यू बजट का क्वेश्चन है या क्या है, बट आई एम इकोनॉमिक सर्वे का, मैं इतना गहराई में आपको कभी जाने की जरूरत ही नहीं है जी। यूएनडीपी वाला सिंपल क्वेश्चन था जी, 1 and 3 होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड GNI पर कैपिटा, सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था, तो मारिएगा जरूर सी ऑप्शन क्वेश्चन इसका। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। नेक्स्ट आइए जी, इसका भी आंसर सिंपल है, वॉलंटरी एक्सचेंज, दोनों में भाई फायदा हुआ तभी तो हुआ, बोथ एक्सचेंज इन अ विन विन सिचुएशन, तुम भी लो, तुम्हें जरूरत है तुम भी लो, मुझे भी जरूरत है तुम भी लो, आपस में फायदा ही है, विन विन सिचुएशन, मेरे हिसाब से बी बिल्कुल बेहतर आंसर है। अगला सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, आर्टिकल 50 बहुत बारी पढ़ाया, 50-50 याद होगा, डीपीएसपी में लिखा हुआ, ए ऑप्शन। अगला स्पीकर में परमिट एंड मेंबर, इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, लाइट पे ऑप्टिक्स, मैंने बार बार रो रो के चिल्ला चिल्ला के आपको कहा ऑप्टिक्स ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। रिफ्रैक्शन किसके कारण होती? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है सी। अगला क्वेश्चन अगर देखे, एक्सेलेरेशन दी हुई है, निकालनी है एक्सेलेरेशन, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है और
टाइम कितना दिया 10 मिनट, आपको घंटों में कन्वर्ट करना, 10/60 करोगे तो 1/6 घंटे सिर्फ कन्वर्जन का काम था, 1/6, तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ या सीधा डिवाइड ही कर दो स्पीड से तो भी आंसर, अगर एग्जामिनर खेलना चाहता तो इनिशियल स्पीड भी देता, यहां पर तो सीधा फाइनल दी, तो v बाय t करोगे तो आंसर 120 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ द सीरीज। भाई चीख चीख के शॉर्ट्स में भी तुमको सुनाया पीएससी माजिल, अभी भी याद कर लो पीएससी माजिल, चेक करना, बताया था कि कैसे सीरीज याद होनी, वही रिएक्टिविटी सीरीज पूछी है। कमाल के क्वेश्चन है, नेटल जब लगता है तो पेनफुल स्टिंग किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड, उसी को तो मेथनॉइक एसिड, ये टार्टरिक नहीं मेथनॉइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑल द बेसिस आर एल्कलीज, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ बेसिस जो सॉल्युबल होंगे पानी में उनको एल्कली कहेंगे, तो बी ऑप्शन टू बिल्कुल ठीक है, जहां जहां पे माना काटते जाओ आंसर क्या रहेगा, टू एंड थ्री, और टू पक्का ठीक है तो टू एंड थ्री ही मारेंगे। यार इलिमिनेशन से ही 90% क्वेश्चन इतने आसान बन जाएंगे, थोड़ा कंसेप्ट पता हो। अगला 46th कैल्शियम क्लोराइड है जी, गार्ड ट्यूब का आंसर होना चाहिए। फर्टिलाइजर आपको पता भाई सॉइल में कितनी बारी चीख चीख के रो रो के चला चला के तुमको बताया एनपीके, फिर भी नहीं तुम्हें पता, न्यूट्रिएंट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर्स, इसका आंसर आयरन होना चाहिए, ये नाइट्रोजन पता नहीं किस ने मार दिया, आप खुद सोचो, एनपीके रेशियो भी बताया सॉइल में। नेक्स्ट, ये अभी तक भाई क्वेश्चन अपने हाथ से बाहर जा रहा है कि भाई डीपीएसपी को आर एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ये ऐसा बंदा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में था, तो मैं इसका आंसर बी एन राव या रजनी कोठारी जी मारते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा, बेंगलोर से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो कौन कौन सी नदी को किसको नहीं काटोगे, यार आपको पता बेंगलोर नीचे है, उसके नीचे तो कावेरी होगी, ऊपर गोदावरी भी आएगी, कृष्णा भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, लेकिन यमुना जो है आप काटोगे नहीं क्योंकि वो दिल्ली उसके ऊपर है, तो बी ऑप्शन मेरे को लग रहा है ठीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट, कौन सी स्टेट है, हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, कौन नहीं बता सकता इसका आंसर, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है, मिजोरम तो है, नागालैंड मणिपुर तो है ही नहीं भाई, दो ऑप्शन है, मुंह पे मारो जवाब त्रिपुरा, अगर ये भी नहीं आता तो दोस्त सच्ची बता रहे हो, जल्दी ज्वाइन कर लो मेरी क्लासेस को, शायद काम हो जाए। 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट, 23.5 से तो ऊपर है भाई, लक्षद्वीप हो नहीं सकता, पुडुचेरी हो नहीं सकता, अंडेमान निकोबार हो नहीं सकता, मासड रह कौन सा गया, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अडोलसेंट पॉपुलेशन कंप्राइज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, कभी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, और तीसरी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स, कभी पॉसिबल है हिंदुस्तान जैसी कंट्री में नहीं भी, टू आंसर है पक्का ठीक है। अगला, अरुणाचल मेघालय नागालैंड, इनकी कंपेयर की है डेंसिटी, असम में सबसे ज्यादा होगी जी, तो जे असम है तो आंसर जे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरे को भाई अभी तक थोड़ा सा मैंने किया तो है, किंगडम्स कुंगडम्स रिवाइज है, इसका आंसर मेरे को लग रहा है डी ऑप्शन होना चाहिए, बॉडी ऑफ एनिमल वॉज बायोलेट्रिकल सिमेट्री, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, सिमेट्रिकल हैव अ कॉलम नोटोकोड बट नेवर हैव अ वर्टिब्रल कॉलम आर प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो मेरे हिसाब से कॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा में से होना चाहिए, मैं मारूंगा कॉर्डेटा पे, इन दोनों क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, मे बी इट विल बी फाइन, ये तो सिंपल है, मेरिस्टेमिज्म इश्यूज पे, स्टेम्स और द रूट्स। उसके बाद द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये भाई यूएसए कौन मार रहा है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, हमारा क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, यूएसए मारेंगे, इंडिया तो हो नहीं सकता, फिर इन तीनों में से मारना, मैं यूएसए मारूंगा जी। आखिरी क्वेश्चन है जी, अगला आखिरी कहां पे, अभी 52nd द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा, ये सिंपल है जी, आपको याद हो अगर मेरे नोट्स चेक कर लिए, हाई कोर्ट जब मैंने पढ़ाया तो उसमें सबसे पहले मैंने यही बताया कि कौन कौन से कोर्ट्स के कहां कहां पर बेंच है, और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो बेंच। डिस्क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल नॉट अ कंडीशन, द मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट अ कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, वॉलंटरी एक्वायरेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वो तो होगी सिटीजन की, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन,
ये भी होगी, द होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ये भी होगा जी, द मेंबर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन ये भी जी, द मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द दिस थिंग, तो इस पे नहीं होगा क्योंकि इसको दी गई है पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रियल और इनलार्ज इमेज कहां पर बनेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। समझ आ गया जी, सिंपल क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस के बीच में रियल और इनलार्ज इमेज कहां पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी में प्रॉपर इमेज दी हुई है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाएगी तो लाइट की स्पीड स्लो होगी टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, आरडीटी डीआरए फॉर्मूले बताए थे, आरडी रेयरर टू डेंसर जाओगे टुवर्ड्स नॉर्मल। सर्किट की बात करें दोस्त, यहां पर रिमेन्स अनचेंज की जगह डबल हम बात करें वो भी हो सकता है, पर यहां पर डबल क्यों, क्योंकि जब आप वायर से करंट जा रहा आपने रेजिस्टेंस कितना कर दिया एल बाय टू कर दिया, और आपको पता रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, अगर लेंथ हाफ कर दी रेजिस्टेंस हाफ कर दी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दी तो करंट तो डबल होगा ना, तो बी आंसर होना चाहिए क्योंकि सर्किट में इट शुड बी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ह्यूमन बॉडी का इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, जितना कम सरफेस है लार्जर वाइल, जितना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वेट होगा तो भाई पांव ही होंगे, तो भाई एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा, आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत लोगों का ये गलत हुआ, आंसर डी होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हो 100 मीटर का डायमीटर का चक्कर 20 सेकंड में लगा रहा, तो भाई चार तीन चक्कर लगा देगा 60 सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड है, तो एक चक्कर 20, फिर दूसरा चक्कर 20, फिर तीसरा चक्कर, तो 60 सेकंड में वो तीन चक्कर लगा देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब उसने कहा 10 सेकंड में कितना होगा, 10 सेकंड में वो आधा घूम के आएगा, तो जब वो आधा घूम के आएगा भाई तो वो कितना ट्रेवल कर चुका है डायमीटर जितना, तो आंसर यहां पर डी ऑप्शन है पक्का। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तक थोड़ा सा दिक्कत है, यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी तक जो मेरे को आंसर मिल रहे हैं, कोई सी कह रहा कोई डी कह रहा, एक बार एनसीईआरटी से ही चेक करिएगा, आंसर कुछ कह रहे हैं डी होना चाहिए, टू और थ्री तो बिल्कुल ठीक है। पहले में इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इज इट लाइक अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, आई हैव अ क्वेरी अबाउट दिस थिंग। ये बिल्कुल एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो रहा था, डायमंड और फ्लोरीन और ग्रेफाइट में से, आपको पता डायमंड है नहीं, वन वन काटा तो रह गया क्या, सी आंसर करवाया हुआ। अर्थ में कार्बन का परसेंटेज कितना, बिल्कुल क्लास में करवाया 0.015%। अगला, क्यूप्रिक कार्बोनेट ग्रीन कोटिंग बार बार शॉर्ट्स में करवाया हुआ, बाकी तो दूर की बात, चेक करिए क्यूप्रिक कार्बोनेट बताया गया क्लास में। अगला, ये भी बताया गया स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर क्या होगा, रोस्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, सोल्डर का एलॉय क्या होता है, लेड और टिन, तो पीबीएन स्टेनस। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में, तो नंबर ऑफ लिमिट्स किससे होता है, एनर्जी लेवल से, क्योंकि एनर्जी लेवल हर 10% नीचे गिरता जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्रॉस विद द प्लांट शॉर्ट प्लांट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टाल प्लांट्स टू द शॉर्ट प्लांट्स इन द F2 जनरेशन, एवोल्यूशन में 1:1 होगा। अगला भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ के ही आंसर मिलता है भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिनिमम ही होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन गलत है, ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, ये बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि इक्वल तो नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन और कम्युनिटी का आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला, ये भी मेरे को अभी तक सी लग रहा है, पर अगर किसी को भी क्वेश्चन में कोई खामी लगे कुछ भी तो प्लीज करेक्ट इट, बट आई फील मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी करेक्ट हियर, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटसाइड द बॉडी यीस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड करते हैं तीनों। अगला अगर देखिए, फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ है, वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, बिल्कुल सिंपल है, 2.4 पहले 30 × 4000 करेंगे, इससे आप निकालोगे स्पीड, और स्पीड निकालते ही आप डिवाइड करोगे 2.4 से, 2.4 डिस्टेंस को डिवाइड करोगे इस स्पीड से, तो आंसर आ रहा है 2 सेकंड। हाथ से निकाल लें सारे आपके सामने, पावर का फॉर्मूला वी इन टू वाई एस, 50 बार बोला, मल्टीप्लाई करो 22 आंसर। ये भी करंट अफेयर भी चेक करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था जी। राजेंद्र किशोर पांडा को कोवेम्पू प्राइज मिला, शूटिंग में अवनी लखेरा को जीता, उन्होंने जीता पैरालंपिक्स में, बागराम एयरबेस अफगानिस्तान में, पंचमुली लेक स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास है जो कि हमारे कहां पर, गुजरात में, पिनाका डेवलप्ड इन इंडिया इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक नहीं होना चाहिए, मल्टी बैरल
रॉकेट लॉन्चर होना चाहिए, इसको भी मार्क करिए क्योंकि इन्होंने गलत कर दिया, कोई चक्कर नहीं। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, 86th क्वेश्चन, इताते देवार, ये सिंपल था, एन ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा जी, अग्निपी बैलिस्टिक मिसाइल का 1000 to 2000 किलोमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट लेबीज फ्री स्टेट भाई तमिलनाडु नहीं गोवा, ये भी गलती से इन्होंने मारा, गोवा शुड हैव बीन द राइट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडियन ओरिजिन के ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, ये रिसेंटली श्रीशा बांडला न्यूज में थी जो कि स्पेस में जा रही है नासा की तरफ से। बाकी आपको पता, सबसे पहले तो राकेश शर्मा थे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स अभी न्यूज में थी, तो भाई आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था, इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे को सीधा, मैंने आंखें बंद करके बी मारा क्योंकि गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था, तो उन्होंने ही वेदास के बारे बात की थी। ये प्योर एनसीईआरटी से सीधी स्टेटमेंट, द कॉल फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ए ऑप्शन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टाइम जोन वाला कॉन्सेप्ट अगर देखो, देर इज अ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, दैट इज टू। अंडमान निकोबार हैव डिफरेंट टाइम जोन, गलत है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 5.5, 1 and 3। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कारदुंगला नुब्रा वैली बताया भी है, डबल हम्प कैमल मिलते हैं यहाँ पर, 50 बार रोक रोक के क्लास में बताया लेह लद्दाख में, तो आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, खारदुंगला वैसे भी पता आपको, हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन भी, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो मिलेंगे। तमिलनाडु में तो रिट्रीटिंग मानसून आते हैं, जहां पर दोनों मिलती हैं अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होगी पंजाब। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मॉलीसोल, ये क्या है, सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स है। एसिड विटनेस कॉन्टूअर बाउंडिंग कंटूअर प्लोइंग With visiting one of the states in India, Himachal Pradesh is the right answer in this question, क्योंकि contour plowing पहाड़ी इलाके में, तो ये तीनों states जो है पहाड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पर गरीब कल्याण रोजगार योजना, this was also in news, all returning migrants के लिए answer था। ये भी भाई कर्व, अगर आपने paper check किया कभी मेरे साथ economics का classes लगाई हैं Unacademy पर, तो आपको answer मिल जाएगा, Lawrence curve, आपको पता है poverty, उसका Gini's coefficient भी Lawrence curve से निकालते हैं। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ए का 3 होना चाहिए था, तो यहां पर बी और ए और डी सी मिल रहे हैं। फिलिप्स का भी मैंने बताया हुआ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्स रिलेशन है, प्रॉपरली बताया हुआ, अगर आप मेरा रिकॉर्डिंग चेक कर ले तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज है, अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, इसको एक बार चेक करिएगा। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के लिए डी ऑप्शन, इट इन्फोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। ये सिंपल है भाई, किसको नहीं आता, यूनियनलेस स्टेटलेस, सेवंथ शेड्यूल 50 बार कहा था, पढ़ लीजिएगा। और इंश्योरेंस आपने कभी सुनी है किसी स्टेट की, इट इज अ यूनियनलेस सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में भी अभी तक कंफ्यूजन है जी, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडिया फेडरल सिस्टम कौन सी चीज नहीं करेक्ट बताती इंडिया के फेडरल सिस्टम के बाद, देयर इज नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये तो ठीक है। उसके बाद इसमें है ही नहीं फोटो जी, होगी, मैं एक बार यार 91 to 100 क्वेश्चंस आई विल शेयर विद यू इन द फोटोग्राफ इन द टेली ग्रुप आल्सो, दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑफ योर यूपीएससी पेपर, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट इन द इन दिस पीडीएफ। अगला क्वेश्चन 115, ये भी सिंपल, एक्सेप्शन राइट टू स्पीच में डी आंसर होना चाहिए। और इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इट शुड बी 39th अमेंडमेंट या 42nd हो सकता है, पर मेरे को 39th लगता है, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ। 44th अमेंडमेंट से इसको जुडिशियल रिव्यू से ओपन कर दिया, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है जी, वॉरन हेस्टिंग्स आंसर होना चाहिए, पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था इनको ही, वॉरन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये मूवमेंट ऑफ द 1870 खेड़वा सफा हार मूवमेंट, इंटरनल सोशल रिफॉर्म एंड मोनोथिज्म। 1870 में अगर बात करें तो कोरकाई इज द आंसर, पांड्या पोर्ट। आखिरी जो 91 to questions है वो अब आ गए जी,
ये करंट अफेयर में मैंने करवाया पर्सन इन न्यूज में, जोवेनल मोइस बंदा प्रधान राष्ट्रपति बना हाइती का, प्लीज चेक करिएगा, क्लास भी रिकॉर्डिंग भी चेक करिए, प्रॉपरली बताया था। कौन सी नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये भी पूरी तरह बताया हुआ क्लास में, 50 बार हमने रिपीट किया हुआ। INS ताबर मेडिटेरेनियन सी में इटली के साथ एक्सरसाइज हुई थी, और उसके बाद WHO के अभी अभी मलेरिया फ्री स्टेट कौन सी बनी, चाइना है, ये भी थी। और गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश है, ये भी बताया गया क्लास में। उसके बाद आता जी धोलावीरा, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, मैंने बार बार कहा था आना क्वेश्चन आया। ड्यूरेंट कप भी सबसे पुराना एशिया का फुटबॉल कप है। उसके बाद करनामी मालेश्वरी पहली औरत है जो मेडल जीती है ओलंपिक्स में, रशियन ओलंपिक कमेटी था इसका आंसर। और आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, एडिबल ऑयल मिशन के लिए कौन सी स्टेट्स को रखा गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान एंड निकोबार। तो ये थे भाई आज का जो पेपर हुआ। आई कांट से यू कैन स्कोर 100% इन द जीएस, बट आई एश्योर यू यू कैन क्वालिफाई द जीएस विद मी इन अ वेरी इजी मैनर। इट वॉज नॉट अ टफ पेपर, यू कैन से 60-70% क्वेश्चन वर डायरेक्टली डिस्कस इन द क्लास। आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, हु हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेज विद मी, प्लीज पुट अप योर कमेंट्स ऑल्सो वेदर यू आर रियली सेटिस्फाइड विद द क्लासेज। बट प्लीज इधर उधर के भाई जान के ठूसने के लिए नहीं, पर मैंने बिल्कुल ईमानदारी से करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया आपके, और ना ही ज्योग्राफी से, और ना ही पॉलिटी से, और ना ही अपने साइंस से। हिस्ट्री जितना पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन बन गए हैं, अगर आप ये चेक करिएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस फॉर जनरल स्टडीज पेपर ऑफ CDS। वी विल बी कमिंग आउट विद द मैथ्स पेपर एनालिसिस आल्सो विद इन अ फ्यू आवर्स, एंड देन वी विल बी कमिंग आउट विद द NDA पेपर एनालिसिस ऑफ GAT आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।